आदाब। हुसैनाबाद मुबारक या हुसैनाबाद एंड अलाइड ट्रस्ट में जो तबर्रुक बढ़ता है तो बड़े मामबाड़े में, छोटे मामबाड़े में और शानजफ में यहाँ मजालिस होती हैं पहली मुहर्रम से और नौ मुहर्रम तक, और यहाँ पर तबर्रुक बढ़ता है। तो ये ट्रेडिशन जो शुरू हुआ है, ये जो रवायत शुरू हुई है, ये अवध के तीसरे ताजदार किंग मोहम्मद अली शाह ने 1839 में जुलूस की शुरुआत की थी, चाहे वो पहली मुहर्रम का जो शाही जरी का जुलूस होता है, मोम की जरी का उसका, या फिर सात मुहर्रम को जो हज़रत कासिम की मेहंदी का जुलूस होता है, और उसी के साथ जो यहाँ पर मजलिस सुबह होती हैं उसमें अब जो बढ़ता है। तो शुरू के पाँच दिन जो हैं उसमें तले हुए आलू का सालन, बाकर खानी और ख़मीर रोटी, और आखिर के चार दिन उसमें दाल, खमीर रोटी और बाकर खानी। वैसे पहले जो था उसमें काबों में पुलाव भी बटता था, उसके अलावा कुछ चम्पलियाँ होती थीं उसमें बर्फ़ी और साथ में शीरमाल होती थी। तो ये रवायत जो है, जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ जो है थोड़ी सी उसमें कमी आई है, लेकिन आज भी जो हमने अभी अर्ज़ किया कि तले हुए आलू का सालन, खमीर रोटी और बाकर खानी, उसके साथ ही साथ आखिर के चार दिन जो हैं उसमें दाल, खमीर रोटी और बाकर खानी बटती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हुसैनाबाद एंड अलाइड ट्रस्ट की ज़ेर निगरानी होता है, और बहुत ही कसीर तादाद में यहाँ पर मोमिनीन आते हैं। उसमें सिर्फ शिया हज़रात नहीं होते हैं, बल्कि उसमें शिया हज़रात के साथ साथ सुन्नी हज़रात और हिंदू हज़रात भी होते हैं, जो मौला के अकीदत में यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, मौला की मजलिस सुनते हैं, और साथ ही साथ ये हिस्सा जो है उनको तबर्रुक जो है वो तकसीम होता है। और ये एक तरह से गरीब परवरी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जो दिन भर मजलिस में मौला की आते हैं और जाते हैं, सब मजलिसें अटेंड करते हैं, तो ये होता था कि इस तरह के जो तीन जगहों के ऊपर जब इस तरह के हिस्से मिल जाते थे तो उनके पूरे घर का सारा जो खाने का इंतज़ाम है वो हो जाता था। तो इस ये भी एक वजह है, और यही ट्रेडिशन जो है, जो तबर्रुक का ट्रेडिशन है, ये नवाब शुजाउद्दौला और बहू बेगम साहिबा के दौर से फैज़ाबाद से शुरू हुआ था, और उसके बाद फिर जब नवाब आसिफुद्दौला ने अपना कैपिटल जो था वो लखनऊ शिफ्ट किया, फिर बड़े मामबाड़े में मजालिस होती थी, वो सब तब भी तबर्रुक बढ़ता था, लेकिन उसके साथ ही साथ फिर यहाँ के ऊपर जब से छोटे मामबाड़े में यहाँ के ऊपर ये जुलूस उठने लगा तो किंग मोहम्मद अली शाह ने भी इसको और वसी किया, फिर नवाब वाजिद अली शाह के दौर में और उसको बढ़ाया गया, और फिर आज के दौर में भी आप घर घर में जो है मजलिस होती हैं, चाहे वो शियों के घरों में तो होती हैं, तो बहुत से ऐसे सुन्नी ताज़ियादार भी हैं, हिंदू ताज़ियादार भी हैं, वो लोग भी अपने घरों में ताज़िया रखते हैं और यह तबर्रुक जो है उसको तकसीम करते हैं।